Hello, my dear students. This is Payal ma'am here. So today we are going to begin the next chapter, which is chapter 8, Water Scarcity and Conservation of Water. So we have already learned about the importance of water in our life. We can live without food for some days, but cannot live without water for long. So today I am going to read out and explain from the screenshots of the chapter itself. So here today I'm going to explain each and every line of this chapter, and I'm going to use both the languages. I'm going to speak in Hindi as well as in English. So wherever you have doubts, please interact with me in the comment section. I have seen that many of you do watch the video but do not interact. Okay, and I'm very thankful to people who respond to me in the comment section and let me know what are the positive and negative aspects of the video, which helps me to improvise in my coming videos. Okay, so I'm very thankful to them, and I would request everyone to please comment and do let me know. So as I said that water is important for us, and we cannot live without water. We can survive without food, but we cannot live without water for long. And the earth is called blue planet because 3/4 of its surface is covered with water. So hum log earth ko blue planet kyu bolte hain? To iska ye reason hai ki yahan pe hamare earth pe jo 3/4 portion, okay, 3/4 means kya hota hai? You would have already studied fraction by now in maths. So 3/4 of the planet kya hota hai? Water se cover hota hai. Isiliye hum isko kya kehte hai? Blue planet. Most of this water exists in oceans. Ab jo bhi matlab 3/4 of the water jo bhi hai available, usme se maximum portion jo hai wo kaha pe hai? Oceans and seas. Now ocean, as you already know, that ocean and sea water is not fit for कंजम्पशन. तो उसे हम क्या कर सकते हैं? हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो ओशन में है वाटर या सी वाटर जो है वो हमारे यूज करने के लायक नहीं है. ठीक है, और मैक्सिमम जो है वाटर उसी में एग्जिस्ट करता है. नाउ ओशन वाटर इज नॉट क्वालिटी एंड इट कैनॉट बी यूज फॉर आर डेली नीड्स. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर. अब हम फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? फ्रेश वाटर वो वाटर सोर्सेस होते हैं जो कि हमें रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये सब में मिलते हैं. तो ये वाटर क्या होता है? इनको हम ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर हम इनको रेगुलर यूज में लाते हैं. तो ये वाटर जो होता है ये ओशन एंड सीज का कंपैरिजन बहुत ही कम होता है. एंड दिस वाटर इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर सोर्सेज जो है हमारे अर्थ में ये बहुत ही कम है. ठीक है, मैक्सिमम जो वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ में दैट इज फाउंड इन द ओशंस एंड द सीज, जो कि हमारे लिए फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है. सो दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आर सर्वाइवल इज लिमिटेड. है ना, तो बच्चों ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही लिमिटेड है. एंड दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फर्दर डिक्रीजिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. हेंस देयर इज स्केसिटी ऑफ वाटर. तो जो भी वाटर रिसोर्सेस, फ्रेश वाटर जो भी अवेलेबल है वो भी हम क्या कर रहे हैं? उसे बहुत सारे तरीकों से हम उसको खराब कर रहे हैं. तो उसके वजह से उसका भी क्वांटिटी जो क्या है डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे. सो लेट अस सी द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है कि कितने लोग इस एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वाटर का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रहा है. मोर पीपल नीड मोर वाटर बट द सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग. अब जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो हमारे वाटर के रिक्वायरमेंट्स भी उतने बढ़ते जाएंगे. लेकिन हमारे पास क्या है? जो वाटर के रिसोर्सेस है दोज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. हेंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ईच पर्सन इज डिक्रीजिंग. तो नेचुरली क्या होगा? अगर वाटर का आपका सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू द अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम उतना ज्यादा वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. है ना, तो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजन व्हिच इज लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर. सेकेंड रीजन इज डिफॉरेस्टेशन.
Now, children, I hope you already know what is deforestation. So, deforestation is the cutting down of trees in large numbers. अब trees तो अब काटते ही हैं, लेकिन deforestation का मतलब क्या होता है कि हम large numbers में trees काट रहे हैं, ठीक है? So second reason is deforestation. Now rain and snow are the two main natural sources of water, which you have already studied in your previous class. है ना कि हमारे दो natural sources of water क्या है? Rain and snow. Okay? Now, however, the amount of rainfall and snowfall is decreasing due to changes in the climate. And these changes are caused by various undesirable human activities. And deforestation, which means cutting of trees in the forest, is one such activity. Now, आपको already पता है कि जंगल काटने से क्या होगा कि rainfall जो है वो कम होता रहेगा, है ना? Because the trees bring rain to us. और अगर ट्रीज नहीं होंगे या कम हो जाएंगे इन नंबर्स, तो ऑब्वियसली जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो भी क्या होगा? कम होता रहेगा. और रेनफॉल अगर कम हो गया तो फिर जो रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो कैसे भरेंगे? और अगर वो नहीं भरेंगे तो हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो डिफॉरेस्टेशन इज दैट्स वाई अ रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर. नॉट ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट बी cleared for building houses and factories. तो हम लोग क्यों trees को काट रहे हैं? Just for building houses and factories, है ना? तो हम लोग अगर ये जो रहने का हम लोग घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वो उसके लिए जगह चाहिए हमें. और वो जगह कैसे होगा? जंगलों को काट के. नए फैक्ट्रीज तैयार हो रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज तैयार हो रहे हैं, तो वो कहाँ पे हो रहे हैं? ये जंगलों को काट के ही हो रहे हैं. अब जंगल नहीं होंगे तो रेन वाटर कहाँ से आएगा? और रेन वाटर नहीं आएगा तो वेयर विल वी गेट द फ्रेश वाटर फ्रॉम? सम पीपल कट ट्रीज जस्ट फॉर अर्निंग मनी बाय सेलिंग द वुड ऑफ दीज ट्रीज. नाउ ट्रीज आर ऑल्सो बींग कट डाउन फॉर गेटिंग वुड फ्रॉम देम. तो हम लकड़ियां भी कहाँ से लेते हैं? जंगलों से लेते हैं. तो उसके लिए भी लोग क्या कर रहे हैं? ट्रीज को काटे जा रहे हैं. और ये भी क्या है? एक रीजन डिफॉरेस्टेशन का ही. At present, the number of trees being cut is more than being planted. तो अभी क्या हो रहा है? जितना लोग plantation नहीं कर रहे, उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? Deforestation. So, afforestation कम हो रहा है as compared to deforestation. लोग घर बनाने के लिए, industries बनाने के लिए, खुद wood extract करने के लिए क्या कर रहे हैं? Deforestation किए जा रहे हैं. This decrease in the number of trees results in the decrease in rainfall. Strict steps should be taken to prevent deforestation. More and more trees need to be planted to maintain the balance in nature. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग ट्रीज को काटे जा रहे हैं, वैसे ही हमें नए ट्रीज भी उगाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बिकॉज वी नो ऑलरेडी के ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में. वो हमें ऑक्सीजन तो सप्लाई देते ही हैं, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? क्लाइमेट के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. दे ब्रिंग रेनफॉल टू अस, राइट? सो दैट्स व्हाई वी शुड आल्सो कैरी आउट एफॉरेस्टेशन व्हेन वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन. अब हमें मकाने तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, तो हमें वैसे लोगों को जगह भी देनी पड़ेगी रहने के लिए. हमें इंडस्ट्रीज भी तैयार करने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज भी तैयार करनी पड़ेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्लांटेशन भी करना पड़ेगा ट्रीज का, ठीक है? जहां भी जगह मिले. अगर हमें रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स के बीच में भी आपने देखा होगा कि ट्री प्लांटेशन होते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्री प्लांटेशन नहीं होते हैं. यू कैन ग्रो ट्रीज इवन एट द साइड्स ऑफ द रोड्स. ओके, सो वेर एवर इट इज पॉसिबल यू शुड ट्राई टू ग्रो न्यू ट्रीज so that we can balance the climate and it should not hamper the rainfall. Now the third big factor, major factor, is setting up of factories. Now big factories are being set up at different places. Ab factories to hame chahiye because hame production karna hai, है ना? तरह तरह के प्रोडक्शंस क्या होते हैं? फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में होते हैं. तो हम फैक्ट्रीज तो नहीं बढ़ाए बिना या नहीं तैयार किए बिना नहीं रह सकते हैं. वी हैव टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड दिस इज
टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टफ, क्लोदिंग एंड अदर मटेरियल्स. तो फूड स्टफ जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड्स को अब जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फील्ड से, उसके बाद क्या होता है, हम पैकेजिंग करके लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए हमें फैक्ट्रीज की तो ज़रूरत है ही. अब क्लोदिंग, हम जो भी कॉटन या जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिल्क वर्म से भी सिल्क रेयर करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें फैक्ट्रीज में उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तो फैक्ट्रीज की तो ज़रूरत हमें है ही, है ना. तो फैक्ट्रीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. दे फुलफिल दिस नीड बाय यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर. अब फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वाटर ज़रूरत होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ उनके जो प्रोसेसिंग होते हैं उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब वो लोग वाटर कहाँ से लेते हैं, वो लोग वाटर या तो फिर रिवर से, फ्रेश वाटर सोर्सेस से लेते हैं, या तो फिर अंडरग्राउंड वाटर से लेते हैं वो लोग. तो अंडरग्राउंड वाटर इज वॉट ना. अब अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, अब जो रेन वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जमीन के नीचे मौजूद होता है. वो देखा होगा आपने कि ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अंडर वाटर, या पंप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से हम लोग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको निकालते हैं. तो अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. और जो फैक्ट्रीज होते हैं वो यही अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं अपने सारे प्रोडक्शन के कामों में. Due to shortage of rainfall, underground water does not get filled up again as much as it is used. This has led to a sharp decrease in the level of underground water. अब जिस रेट से ये लोग, ये फैक्ट्रीज है, ये अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं, इतना तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो रेनफॉल के शॉर्टेज के वजह से कलेक्ट भी नहीं होता, और उससे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते रहते हैं. ड्यू टू दिस अंडरग्राउंड वाटर भी अभी बहुत ज़्यादा लेवल उसका कम हो गया है. एंड यू नो दैट जो वॉट एवर प्लांट्स आर देयर, दे आर गेटिंग द वाटर फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर ओनली. द रूट्स एब्जॉर्ब द ग्राउंड वाटर ओनली. तो अब अगर ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा तो रूट्स भी क्या होंगे, दे विल बी नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर, जिसके वजह से क्या होगा कि प्लांट्स भी, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, और वो प्लांट्स भी क्या होगा, मरने लगेंगे. ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, एक साइकिल की तरह होता है. ठीक है, प्लांट्स होंगे तो रेनफॉल होगा, अगर रेनफॉल होगा तो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर होगा, ग्राउंड वाटर कलेक्ट होगा. अब ग्राउंड वाटर होगा तो क्या होगा कि ट्रीज भी ग्रो हो पाएंगे. ठीक है, और हमारे सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, वाटर के रिक्वायरमेंट्स है, दैट ऑल्सो वी विल बी एबल टू फुलफिल. सो इट्स लाइक अ साइकिल बींग गोइंग ऑन इन द नेचर. So, what are the three points we have studied? What are the three major factors which are causing the shortage of water? So, the first one is population, second is deforestation, और third है आपका setting up of factories. So, ये तीन major factors हैं जो कि क्या कर रहे हैं, shortage of water. So, if it is asked in the exam, write the three factors which are causing the shortage of water. So, you will have to mention these three important factors which are leading to the shortage of water. So, since there is shortage of water, हमें क्या करना है, water को conserve करना है या water को बचाना होगा. So, there is need for conserving water. So, the time has come to conserve the limited sources of water. Okay, now water is a gift of nature for all living beings. So water is a gift only. There is life on earth. Life exists karta hai earth mein kis wajah se? Because there is water and oxygen. Very important, two things very important for us. We cannot stay without water. आप खाए बिना चाहे एक दिन दो दिन सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन पानी के बिना आपका जीना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो इट इज़ प्रेशियस, ये बहुत ही कीमती है. इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट आवर वाटर रिसोर्सेज केयरलेसली, अ टाइम कैन कम व्हेन देयर विल बी नॉट एनफ वाटर फॉर ऑल ऑफ अस. तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, दे मे बी रनिंग आउट ऑफ वाटर, उनके लिए शायद पानी बचे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग केयरलेसली वाटर को यूज कर रहे हैं, हो सकता है हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या होगी, वाटर के बिना ही उन्हें शायद सर्वाइव करना पड़े, है ना. द क्रॉप्स कैन ऑल्सो डाई ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन. अब इरीगेशन का मतलब क्या होता है कि पौधों की सिंचाई करना, यानी पौधों तक पानी पहुंचाना. तो अगर पानी होगा ही नहीं तो पौधे क्या होंगे, वो उग नहीं पाएंगे. एंड इफ द क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन, वी विल नॉट गेट द फूड आइटम्स.
हमें खाना पानी सब कुछ तो हमें क्रॉप्स के ऊपर वी आर डिपेंडेंट. इफ द वॉटर इज नॉट देयर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, ट्रीज कैन नॉट बी ग्रोन, एंड इफ दे कैन नॉट बी ग्रोन देन वी विल डाई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड. तो इट इज ऑल इनडायरेक्टली लिंक्ड. वी शुड देयरफॉर मेक सिंसियर एफर्ट्स टू सेव वॉटर नाउ सो दैट इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर ऑल्सो. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम वाटर जो है इस तरीके से यूज करें कि ताकि वाटर हमारे लिए तो बचे ही, इवन हमारे फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी ये शॉर्टेज ना हो. ठीक है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग के बहुत सारे ऐसे शहर हो रहे हैं धीरे धीरे जहां पे वाटर एकदम ही स्केयरसिटी, वाटर की क्राइसिस होने लग रही है. जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि चेन्नई में, चेन्नई वॉज द सिटी विच रैन आउट ऑफ वाटर. अब चेन्नई में क्या है, वहां पे वो पूरे समंदर से पूरा घिरा है. तो जहां भी देखो वहां पे अगर आप डिग करोगे वाटर, तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट वाटर निकलेगा. तो वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. वहां पे अंडरग्राउंड जो वाटर है, वहां पे सी का वाटर वहां पे मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से हम वो वाटर और कंज्यूम ही नहीं कर पाते हैं. तो चेन्नई में वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है. वहां पे लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के छतों पे वाटर को सेव करते हैं, जो भी रेन वाटर होता है उसको वहां पे सेव करके रखते हैं, जो कि वो लोग जब गर्मियों के मौसम में जब वाटर की कमी हो जाती है तो वो वाटर वो लोग यूज कर पाए. तो वो भी क्या हुआ था पिछले और उसके पहले भी सालों में ऐसा हुआ था कि चेन्नई जो है बिल्कुल ही वहां पे वाटर स्केयरसिटी हो गया था. वहां पे लोग वाटर टैंक की मदद से वाटर को ले रहे थे और वो भी उन्हें पैसे से खरीदना पड़ रहा था. तो ऐसा टाइम अगर हमने अभी से अगर वाटर को कंजर्व नहीं किया, ऐसा टाइम हो सकता है कि हमें वाटर खरीद के यूज करना पड़े. सो ऐसा टाइम आने से पहले ही हमें वाटर को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंजर्व द वाटर. वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूसेज एंड वेस्टेज. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ओवर यूसेज एंड इसके वेस्टेज को प्रिवेंट करना होगा. Proper and careful utilization of water, avoiding its wastage and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation. So very important, ये आपके definition में पूछ सकते हैं. What do you mean by water conservation? तो water conservation क्या होता है? Proper and useful utilization of water. मतलब हम proper तरीके से कैसे water को use करेंगे, ठीक है? Avoiding its wastage, उसका wastage होने से रोकेंगे. और उसका maintaining the amount of water, मतलब उसका amount जितना भी बचा हुआ है, उसको maintain करना ही क्या कहलाता है? Water conservation. So for this time we will stop here. We will be studying only up to this part. In the next video we will cover up what are the ways of conserving water and the rest part of the chapter. So stay tuned. If you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe or please isko like kijiye, subscribe kijiye or share kijiye so that even the other students get benefit of this video.